नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर कावेरी हालदार और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं प्लेसिबो इफेक्ट्स क्या होता है, होम्योपैथिक में प्लेसिबो मेडिसिन का क्या रोल होता है और बाकी पैथीज में भी प्लेसिबो को किस प्रकार यूज़ किया जाता है, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। अब बात करते हैं प्लेसिबो की। प्लेसिबो में कोई मेडिसिनल सब्सटेंस नहीं होता है, प्लेसिबो मेंटल लेवल पर काम करती है। प्लेसिबो से रिलीफ भी होता है। जब जिस चीज में कोई दवाई ही नहीं होती उसको लेने से आपकी प्रॉब्लम कैसे दूर हो जाती है, यही होता है प्लेसिबो का काम। प्लेसिबो का यूज एलोपैथिक डॉक्टर्स भी करते हैं, साथ में जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो भी प्लेसिबो का यूज करते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है दोस्तों जिसमें हमें मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होती है। उस टाइम पे हमारे माइंड को ये समझाना होता है कि हाँ हम मेडिसिन ले रहे हैं और इसीलिए प्लेसिबो दिया जाता है कि ताकि आपका माइंड उस प्रकार से वर्क करे कि हाँ आप मेडिसिन ले रहे हैं और आप ठीक हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप मेडिसिन नहीं लेते, आप सिर्फ एक सिंपल पिल्स लेते हैं या सिंपल डाइल्यूशन लेते हैं जिसमें कोई मेडिसिनल सब्सटेंस नहीं होता। होम्योपैथिक में प्लेसिबो का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, क्योंकि होम्योपैथी की मेडिसिन जो होती है पैकिंग होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, कभी कभी हम किसी भी मेडिसिन का एक डोज देते हैं, जैसे कि सल्फर का एक डोज दिया हमने या हीपर सल्फ का एक डोज दिया हमने। हम एक कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसको बार बार रिपीट नहीं कर सकते। जब हम मेडिसिन को रिपीट नहीं करते लेकिन इतने दिन तक पेशेंट की माइंड जो है वो वेट नहीं कर सकता, उसे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ लिया नहीं तो मैं ठीक कैसे होऊंगा, तो उसके फलस्वरूप हमें जब वेट एंड वॉच करना होता है तब हम प्लेसिबो का यूज़ करते हैं, प्लेसिबो देते हैं। इस प्रकार से अगर आप कोई मानसिक परेशानी से जूझ रहे होते हैं और आपका जो साइकोथेरेपिस्ट होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, वो भी आपको प्लेसिबो देता है ये समझाने के लिए कि आपका माइंड ये समझ लेता है कि हाँ वो कोई मेडिसिन ले रहा है जिससे उसकी प्रॉब्लम, उसकी सफरिंग दूर हो रही है। अब प्लेसिबो का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? प्लेसिबो का यूज़ होम्योपैथी में हर एक बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है, चाहे वो आपका माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, चाहे आपके स्किन डिजीज़ हो, चाहे आपके सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे आपका हेयर फॉल हो, बॉडी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसमें प्लेसिबो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। साइंटिफिक बहुत सारे रिसर्च होते हैं माइंड के ऊपर जो ये दावा करते हैं, ये बता चुके हैं, ये प्रूव कर दिया है जिन्होंने कि हमारा माइंड जो होता है उसको ये क्षमता नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत ये वो पहचान सके, ये जज करने की क्षमता नहीं होती है। जैसा हम सोच करके मेडिसिन को लेते हैं, अगर आप पानी को भी ये सोच करके लेते हैं कि ये मेडिसिन है तो वो आपके लिए मेडिसिन का काम करती है ना। हमारा माइंड ये नहीं जानता कि ये पानी है, ये खाना है, या फिर हम चाय पी रहे हैं, या फिर हमने गुलाब जामुन खाया है, ये हम उसे समझाते हैं कि हम ये खाएंगे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, आप कहेंगे कि ज़्यादा मीठा हमें नहीं खाना है, मीठा खा लेंगे तो हमारा वेट गेन हो जाएगा, तो ये आपके माइंड में एक चीज़ बैठी हुई रहती है, तो आपका माइंड भी उसी प्रकार से काम करता है कि आपने ये बोला है। आपको भूख कब लगती है? जब एक्चुअल में आपका स्टमक हंगरी होता है, या फिर जब आप कोई फूड की स्मेल सूंघ लेते हैं, या फिर कोई फूड को इमेजिनेशन कर लेते हैं। जब आप किसी फूड के बारे में इमेजिनेशन करते हैं, सोचते हैं, मान से लीजिए कि आप गुलाब जामुन के बारे में या रसगुल्ले के बारे में इमेजिन कर रहे हैं, तो आपका माइंड उस प्रकार से काम करने लगता है और आपको भूख, आपको गुलाब जामुन की भूख और रसगुल्ले खाने का मन होने लगता है आपको, या जिसको नमकीन चीज़ें पसंद है वो खाने का मन करता रहता है। हम जिस प्रकार की फूड की इमेजिनेशन करते हैं हमारे दिमाग में वही चीज़ खाने की तलब उठती है और वैसे ही हमें भूख होता है। होता है ना कभी कभी कि घर में बहुत अच्छे खाने की खुशबू आ रही है और आपको अचानक भूख लग जाती है, आपको फील होता है कि भूख लग गई है, या फिर कोई अच्छी आपकी फेवरेट चीज़ बनी होगी तो उस दिन आप दो की जगह चार रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हैं। ये क्यों होता है? ये सब हमारे माइंड का ही सिस्टम होता है। हमारे माइंड को हम जैसा समझाते हैं वो वैसे ही काम करता है। आपको अगर नॉलेज में हो दोस्तों, या फिर आपने गूगल में या सोशल मीडिया में कहीं भी ऐसा पढ़ा हो कि बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जहां पर कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है, जहां पर मेंटल असाइनमेंट भी हो गया, ऐसी बहुत सारी आश्रम है जहाँ पर ये सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है, तो क्या वो बीमारियों का इलाज सिर्फ दवाइयों से किया जाता है? नहीं, वहाँ पर भी प्लेसिबो का इफेक्ट होता है, प्लेसिबो का यूज़ किया जाता है। कैंसर जैसी बीमारी से लड़ना होता है तो दिमाग को ये समझाना होता है कि आप ठीक हो रहे हैं, आप ठीक हो रहे हैं।
बहुत से ऐसे आश्रम हैं जहाँ पर इसी माइंड के इसी टेक्निक के द्वारा उनकी बीमारियों को ठीक किया जाता है और उनको उनको खाने के लिए प्लेसिबो ही दिया जाता है ताकि उनको ये भ्रम पैदा हो सके उनके माइंड को कि वो कोई दवाई ले रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं। कोई ऐसा आश्रम आपने देखा होगा जहाँ पर पागल लोगों को छोड़ दिया जाता है ना, लाइक साउथ एरिया में, केरल साइड में कहते हैं बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं, ऐसी बड़ी बड़ी जगह पर भी ऐसे आश्रम बने हुए हैं जहाँ पर मेंटल लोगों को ले जाके छोड़ दिया जाता है, कुछ महीने वो रहते हैं और फिर वो ठीक होकर के आ जाते हैं। लाइक ऐसे ही स्किन डिजीज़ में, कैंसर की डिजीज़ में भी ऐसे ही होता है, उनको कुछ महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। इवन पैरालिसिस की कंडीशन में भी पेशेंट को छोड़ दिया जाता है, वो कुछ टाइम वहाँ के वातावरण में रहते हैं, जलवायु चेंज होती है उनकी, उनका लाइफ स्टाइल चेंज किया जाता है, देन उनको और साथ में उनको प्लेसिबो इफेक्ट्स भी दिए जाते हैं, तभी उनकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो पाती है। हम कहते हैं कि हमें कोई भी मेडिसिन हम खाते हैं तो उसके ऊपर हमें फेथ रखना चाहिए, हमें उस पर भरोसा करके खाना चाहिए, तो ये भी एक प्लेसिबो इफेक्ट का काम करता है। अगर आप किसी मेडिसिन पे अगर आप भरोसा रख के खाते हैं कि ये दवा मैं लूंगा तो मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, तो डेफिनेटली आप ठीक होते हैं। आपके माइंड को पहले से आपने उस चीज़ के लिए प्रोग्राम कर दिया है कि आप ये चीज़ करेंगे तो आपकी बीमारी ठीक होगी। पानी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पानी को भी प्लेसिबो के रूप में यूज़ किया जाता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि डेप्थ तक जा चुके हैं, जिनको इतना नॉलेज है कि माइंड किस प्रकार से काम करता है, वो भी इस चीज़ का यूज़ करते हैं। पानी को प्रोग्राम करके हम जिस हिसाब से लेते हैं वो हमारी बीमारी को ठीक कर देता है। अब आप सोचेंगे कि पानी किस प्रकार ठीक करता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हम प्लेसिबो लेते हैं जिसमें कोई मेडिसिनल सब्सटेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो हमारी बीमारी को दूर करता है। ठीक पानी भी इसी प्रकार से काम करता है, जब कुछ करके पीते हैं कि ये हमारी बीमारी को दूर करेगा तो हमारी बीमारी दूर होती है। आपने देखा होगा कभी कि कभी आपको लोग बोलते हैं कि बला लग गई है, ऊपरी हवा लग गई है, तो नौशिया होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है, अजीब से लुस्त पड़े रहते हैं, फिर हम किसी के पास में जाते हैं और वो हमें पानी बना करके दे देता है और फिर वो पानी हम पीते हैं तो हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो वो पानी क्या कैसा काम करता है, प्लेसिबो का काम करता है। हम अपने माइंड को जिस प्रकार से प्रोग्राम करते हैं उसी प्रकार से ये प्लेसिबो काम करती है हमारी ज़िंदगी में। वैसे तो प्लेसिबो के बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैंने आपको 3-4 एग्जांपल से समझा दिया कि प्लेसिबो कैसे काम करती है। और होम्योपैथी में भी प्लेसिबो का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सल्फर, हिपरसर, सोराइनम इस तरीके की मेडिसिन जो होती है इनका ड्यूरेशन ही होता है 1-1 महीने से लेकर के 2 महीने तक, है ना, 60 दिनों तक के इनका ड्यूरेशन ही होता है। तो उस टाइम पे हम मेडिसिन को क्विकली रिपीट नहीं कर सकते कि आज हमने ले ली, कल भी ले ली, परसों भी ले ली, तो ऐसे में सीवियर एग्रावेशन हो जाता है, वो पहले से और भी खतरनाक बना देता है। तब हमें वेट एंड वॉच करना होता है और उस टाइम पे हमें पेशेंट को प्लेसिबो देनी होती है, जो हम सिंपल ग्लोबल्स पिल्स यूज़ करते हैं, हम सिंपल डाइल्यूशन डालते हैं जिसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं होता, फिर वो पेशेंट को दिया। आई होप दोस्तों कि आज के वीडियो में आपको प्लेसिबो के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया हो। और भी प्लेसिबो के लिए अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।